हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आज बनने वाली है दही गुजिया। तो आपने जो मावा वाली गुजिया होती है तो वो तो बहुत खाई होगी, पर इस बार मैं आपको बताने वाली हूँ कि दही की गुजिया कैसे बनती है। बहुत सारे लोग बनाते भी होंगे, बहुत सारे लोगों ने खाई होगी, पर मैंने सोचा चलो जिन्होंने नहीं कभी बनाई है, जिनको नहीं पता है, उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो मैं ये रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। गुजिया बनाने के लिए मैंने ली है उड़द की धुली हुई दाल, जिसको रात भर पानी में भिगो के रखा है। आपको बहुत ज़्यादा लोगों के लिए बनानी है तो आप क्वांटिटी ज़्यादा कर लीजिए। मैंने दो छोटी कटोरी धुली हुई उड़द की दाल ली है। तो हम इसको पीस लेंगे, ना बहुत ज़्यादा मोटा पीसना है ना बहुत ज़्यादा पतला करना है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि आराम से गुजिया जो है वो बन जाए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। आप कोई भी कढ़ाई या कोई भी बर्तन ले लीजिए, उसमें तेल ले लेंगे और इसको हाई फ्लेम में गरम कर लेंगे। तो अब तैयार करते हैं इसकी स्टफिंग। स्टफिंग के लिए मैंने ड्राई फ्रूट्स को काटा हुआ है। इसमें किशमिश है, बादाम है, काजू है, मखाने हैं, मिर्च है और धनिया है। आप चाहें तो आप इसमें पनीर भी क्रश करके डाल सकते हैं और थोड़ी क्रीम भी मिक्स कर सकते हैं। फिर एक मलमल का कपड़ा ले लीजिए, उसको हम गीला कर लेंगे पानी से, और फिर थोड़ा सा जो उड़द दाल का पेस्ट है उसको उठा के, जैसे कि वीडियो में बताया है वैसे शेप में, गोल शेप में हम इसको हाथ से ही बना लेंगे। मोटा नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा पतला रहने दीजिएगा इसको, और आपको जितनी बड़ी साइज़ चाहिए है उतने साइज़ का आप बना सकते हो। और बीच में इसकी स्टफिंग कर देंगे, तो वो भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा सा फिल कर लीजिए, और इसको फिर दूसरे साइड से फोल्ड कर लेंगे और हाथों से ये थोड़ा अच्छा शेप दे देंगे। और देखिए ये बिल्कुल गुजिया के शेप जैसा बन गया है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इस गर्म तेल में हम अपनी गुजियों को डाल देंगे और इसको जैसे कि पूड़ियाँ सेकते हैं, बड़े सेकते हैं, दही बड़े जब बनाते हैं तो बड़े सेकते हैं, वैसे ही सेम इसको सेकना है। तो मैंने दो तीन बना के कढ़ाई में डाल दी थी, और आप देख सकते हो ये तल चुकी हैं, दोनों साइड से अच्छे से सिक चुकी हैं। तो अब इनको हम कढ़ाई से बाहर निकाल देंगे। नेक्स्ट स्टेप है, आप एक किसी भी बर्तन में पानी लीजिए, उसमें थोड़ा नमक डालिए और उनमें ये गुजियों को आधे घंटे के लिए डाल दीजिए, जब तक कि ये नरम ना हो जाएं। इसके बाद गुजिया बनके तो तैयार हो गई, अब इनको दही के साथ सर्व करेंगे। तो अब इसको प्लेट में सर्व कर लेंगे। मैंने दही और गुजिया को ले लिया है, अब इसमें जो भी मसाले लगने हैं वो सारे डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये काली मिर्च पाउडर डाला है, इसके बाद हम डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, इमली की चटनी, आप मार्केट वाली भी यूज़ कर सकते हैं, ये घर पे बनी हुई इमली की चटनी है, और थोड़े से सेव। सेव आप ज़ीरो साइज़ के सेव भी डाल सकते हो, थोड़े बड़े साइज़ के भी, आपको और भी कोई नमकीन पसंद हो तो आप उससे गार्निश कर सकते हैं।
अब मैं थोड़ा अनारदानों से भी गार्निश कर देती हूँ, आप और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो लीजिए, बनके तैयार हो गई यम्मी यम्मी दही गुजिया। दिखने में तो बहुत ज़्यादा यम्मी है, इसको खा के देखती हूँ ये खाने में कैसी है। बहुत यम्मी है, बहुत इजी है, इसको ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसी बनी है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप और भी रेसिपीज़ चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं और भी सारी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। तो अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।